हमारी दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है। इस दुनिया में ऐसी ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिन्हें देखकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। आपने वह कहानी तो जरूर ही सुनी होगी जिसमें एक साधु एक व्यक्ति को पारस पत्थर देता है, जिसको किसी भी वस्तु को छू देने से वह वस्तु सोने की बन जाती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं वास्तविकता में भी ऐसा हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि दुनिया में सोने में बदलने का पारस पत्थर तो नहीं, लेकिन पत्थर में बदलने की एक झील जरूर है। उत्तरी तंजानिया में स्थित इस झील का नाम है लेक नोट्रॉन झील। लेक नोट्रॉन झील उत्तरी तंजानिया में स्थित है। इस झील की कहानी को सामने लेकर आए हैं फेमस फोटोग्राफर निक ब्राइंड ने। निक ब्राइंड जब तंजानिया की झील नेट्रन लेक पर पहुंचे तो वहां के दृश्य को देखकर वो चौंक गए। इस झील के किनारे पर बहुत सारे पशी पक्षियों के स्टैचू रखे थे। ये कोई मिट्टी या पत्थर से बनाए स्टैचू नहीं थे, बल्कि ये असली पशु पक्षियों के पत्थर हो गए शरीर थे, और इसका कारण था इस झील का पानी। पानी पीने के लिए गए पशु पक्षी कुछ ही देर में कैल्सीफाइड होकर पत्थर बन गए। निक जो कि फेमस फोटोग्राफर हैं, उनकी किताब अक्रॉस द रिवेंट लैंड में उन्होंने लिखा है कि मैं नहीं जानता कि ये पशु पक्षी कैसे मरे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस झील की अत्यधिक रिफ्लेक्टेड नेचर की वजह से ये जानवर और पशु पक्षी भ्रमित हो गए और इस पानी में गिर गए, या फिर पानी पीने गए और ये पत्थर बन गए। इन्होंने आगे लिखा है, पानी में सोडा और नमक की मात्रा अधिक है, इतनी अधिक कि इसने मेरी कॉडक फिल्म बॉक्स की स्याही को भी जमा दिया। पानी में सोडा और नमक की अधिक मात्रा होने की वजह से ये मृत शरीर को भी सुरक्षित रखती है। निक ब्राइंट ने इन पक्षियों की तस्वीरों का संकलन अपनी नई किताब अक्रॉस द रिवेंट लैंड में किया है। निक पिछले कई सालों से पूर्वी अफ्रीका में जानवरों के गायब होने पर लिख रहे हैं। यह किताब उनकी फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट का तीसरा वॉल्यूम है। उन्होंने किताब में बताया है कि यहाँ के पानी में अल्कलाइन का स्तर पीएच 9 से पीएच 1015 है। इसका मतलब है कि जितना पानी में अमोनिया है उतना अल्काइन है। इसके अलावा उस झील के पानी में ज्वालामुखी की राख का वह तत्व भी पाया जाता है जिसका उपयोग मिश्रवासी ममियों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। झील का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। किताब में उन्होंने लिखा है कि कैल्सीफिकेशन के कारण इन जानवरों और पक्षियों के शरीर चट्टान के जैसे हो गए हैं, इसलिए उन्होंने इसमें किस तरह का बदलाव किए बिना इन जानवरों को चट्टानों और पेड़ों पर रखकर फोटो ली है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।